लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद पहली बार हम आप सब से मिल रहे हैं। ये लोकसभा के परिणाम मोदी जी के लिए, स्वयं उनके दल के लिए एक बहुत बड़ा धक्का है। 400 पार तो दूर, उनकी जो एक पार्टी की जो बहुमत थी वो भी वो हार गए। लेकिन अगर किसी को उम्मीद थी कि मोदी जी और उनकी सरकार और उनका दल जनवादी प्रणाली से सबक सीखकर जो चुनाव के परिणाम आए कुछ बदलेंगे, आज की घटनाएं दिल्ली में ने बिल्कुल स्पष्ट किया कि कोई बदलाव नहीं है। हमारे देश की संसदीय परंपरा के मुताबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पोस्ट, स्पीकर के पोस्ट रूलिंग पार्टी का चॉइस और डिप्टी स्पीकर का पोस्ट विपक्ष को जाना चाहिए। पिछले 2019 के चुनाव के बाद कोई डिप्टी स्पीकर रहा ही नहीं। आप सोचे, हमारी संसद के इतिहास में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं। और आज जो बातचीत हुई और ऑपोजिशन ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम आपकी स्पीकर पोस्ट और डिप्टी स्पीकर पोस्ट दोनों की बातचीत करके निश्चित रूप पर हम भी चाहते कोई कंसेंसस हो, स्पीकर सबका होना चाहिए और डिप्टी स्पीकर हम लोग चॉइस करके देंगे। लेकिन मोदी जी ने वो ही रुख अपनाकर कि संसदीय प्रणाली की विरोध करके उन्होंने डिप्टी स्पीकर के बारे में बातचीत करने के लिए इनकार किया, जिसके कारण उनकी ये दायित्व है कि स्पीकर पोस्ट पर चुनाव होगा। इसका मतलब हिंदुस्तान की जनता ने जो सबक दिया, मोदी सरकार 2019 की जो उनकी सरकार थी जो सबक दिया, वो सबक ये सीखे नहीं। और आज भी वो बुलडोजर लेकर पार्लियामेंट को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम इसका बिल्कुल विरोध करते हैं। मुख्य सवाल ये है कि ये जो एनडीए की सरकार का गठन हुआ, ये सरकार 400 पार की बात सिर्फ नहीं, संविधान पार का भी स्लोगन दिया था। अभी संविधान पार का स्लोगन वापस लेकर अगर ये सरकार वाकई में जनवाद की इज्जत करके चलाना चाहते हैं तो एक बात बनेगी। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि फर्स्ट ही अगर दौर में विपक्ष के साथ बातचीत न करके अपने मनमानी और बुलडोजर चलाने का प्रयास करेंगे, जैसे स्पीकर पद और डिप्टी स्पीकर पद पर इनका रवैया रहा, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है और जनता की परेशानियां बढ़ेंगी। और अभी आप देखिए, किसानों के एमएसपी के बारे में इन्होंने जो घोषणा किया है, बगैर किसान संगठनों से बातचीत किए उन्होंने एक बार फिर किसानों के साथ बड़ा ज़बरदस्त धोखा किया। कहाँ स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश, कहाँ उनकी वायदे। और आज जो उन्होंने एमएसपी का घोषणा किया है कुछ दिन पहले, वो उसका एक तिहाई से भी कम। मैम, आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, आपको क्या लगता है मोदी सरकार अपने सहयोगियों के साथ 5 साल ये सरकार चला पाएगी? इनका जो रवैया है इसमें 180 डिग्री का टर्न उनको लेना पड़ेगा। अब वो योगा तो करते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में 180 डिग्री का टर्न वो ले सकते हैं कि नहीं, ये देखने की बात है। क्योंकि आज तक किसी भी आलाय को उन्होंने बख्शा नहीं, जितने भी पार्टीज उनके साथ दिए उन सब के साथ यूज और थ्रो की पॉलिसी मोदी जी की हमेशा रही है। अब इस बार कुछ और वो करेंगे ये तो भविष्य ही बताएगा। कौन सी जगह? देखिए, ये पूरा जो एक जबरदस्त प्रचार हो रहा है, वहाँ जो
बांग्ला भाषी मुसलमान हैं जो वहाँ सदियों से रह रहे हैं, अगर कहीं कुछ कोई भी एक भी घुसपैठी है तो उसको प्रूव करके जो कानून का प्रक्रिया है उसको आप लगा कर कीजिए। आप कोई एक्शन तो ले नहीं सकते हैं क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। आप केवल एक पूरी कम्युनिटी को डीमोनाइज करके, आप आतंकित करके, जो सबसे गरीब वहां रह रहे हैं, सदियों से रह रहे हैं, हम स्वयं वहां गए हैं, भारी बहुमत जो वहां रह रहे हैं, आज तक उनका लैंड सर्वे भी नहीं हुआ, लेकिन वो है हमारे देश के वासी। अगर कहीं कोई घुसपैठी आ रहा, और घुसपैठी शब्द भी मैं कतई इस्तेमाल नहीं करना चाहती हूँ, अगर कोई यहाँ आ रहे हैं बगैर सही कानूनी कागज के, आप उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? आपके पास दिल्ली की सरकार है, बॉर्डर पर आपकी पुलिस है, आप क्यों नहीं एक्शन ले रहे? आप एक्शन नहीं लेंगे लेकिन आप सिर्फ एक पूरी कम्युनिटी को बदनाम करेंगे, मुझे नहीं लगता है ये सही है, ये गलत है। वायनाड के लिए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का नाम आगे कर दिया, क्या? उन्होंने अपना नाम घोषित कर लिया है, अभी LDF का अभी डिस्कशन होगा और LDF की तरफ से कौन कैंडिडेट होंगे अभी उसके इंतजार कर रहे हैं। क्या इंडिया गठबंधन का? नहीं, केरल में तो हमने तो कोई, हमारा तो अपना LDF है वहाँ, लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट। जो यहाँ अपराध बढ़ रहे हैं निश्चित रूप पर ये सबके लिए बहुत ही चिंता का विषय है, और हम तो ये चाहेंगे और मांग भी करेंगे कि बहुत सख्ती के साथ सरकार को हस्तक्षेप करके अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि आम नागरिक और विशेषकर महिलाओं की जो एक डर पैदा होता है उसको हटाने के लिए ये बहुत अनिवार्य कदम है। महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही है और मांझी का एक मामला आया है काफी, उसको कैसे देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर? हम इसका बहुत निंदा करते हैं, और जहाँ जहाँ महिलाओं के साथ इस प्रकार की घटनाएं होती हैं निश्चित रूप पर एक पूरे समाज का वातावरण को बदलने के लिए भी जो सबकी एक जिम्मेदारी होती है, और पीड़ित के साथ खड़े होकर सरकार को सजा दिलाने का काम अगर करें तो निश्चित रूप पर जो हिम्मत बढ़ रही है लोगों में इस टाइप के अपराध करने की, उसको नियंत्रण किया जाएगा। बिल्कुल स्पष्ट है, हिंदुस्तान की संविधान, हिंदुस्तान की जनवादी प्रणाली, हिंदुस्तान की संसदीय प्रणाली, उसके बचाव के लिए एक साथ मिलकर अपोजिशन खड़ी होगी, ये हम आपको कहना चाहते हैं। अभी झारखंड के संबंध में हमारी बैठक जो हो रही है उसमें बहुत चिंता की विषय है कि पूरा कोयला खदान के इलाके जो संथाल परगना में है, हम लोग स्वयं गए और स्वयं वहाँ सर्वे किया गया, जिस तरह वहाँ कंपनियों का लूट है, ज़मीन का लूट है, रोजगार का लूट है, वहाँ लोकल को कुछ मिल नहीं रहा है, और इस संबंध में आज 3:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री से हमने अपॉइंटमेंट लिया है और हम आज उनसे मिलने जाएंगे, और ये जो मुख्य मुद्दे हैं ज़मीन का, और वहाँ एक बहुत बड़ा इलाका है जहाँ कोई लैंड सर्वे भी नहीं हुआ है, उसके बारे में आज हम लोग बातचीत करने के लिए 3:30 बजे हमारा अपॉइंटमेंट है, हम जाकर मिलेंगे, बातचीत करेंगे और उनका स्वागत भी करेंगे, क्योंकि पहले बार मुख्यमंत्री पद के बाद हम मिलने जा रहे हैं। और तीसरी बात है, अभी दिसंबर महीने में या नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, उस संबंध में भी हमारी इस बैठक में बहस होगी और चुनाव की रणनीति भी हम लोग आज डिस्कस करेंगे।